तो शाम का 4:30 बजे का वक्त है और उदयपुर में छा गए चारों ओर बादल ही बादल और हल्की हल्की बरसात जो है वो सिटी में हो रही है। तो सज्जनगढ़ के आसपास देखिए घने बादल छाए हुए हैं, खूबसूरत मौसम और फुहारे शुरू हो गए हैं। तो जहाँ एक और प्रचंड गर्मी पड़ रही थी वहीं ठंडी छाँव में लोग आनंद लेते हुए तो बड़ा ही मनभावक मौसम जो है वो हो गया है। बादल होने से ठंडक जो है वो हो रही है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो जहाँ सब और बरसात हो रही है, बड़े बड़े शहरों में बरसात हो रही है, वहीं आज उदयपुर में बादलों ने अपना आगमन हुआ है। और देखिए बादल ज़बरदस्त और हल्की हल्की बरसात सिटी की ओर हो रही है और कुछ समय बाद ऐसा लग रहा है यहाँ पे बरसात होने की उम्मीद है। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। देखें पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के पीछे कई लोग बैठने के लिए छाँव में सुंदर से पायदान जो है वो बनाए गए हैं, बैठने का बैठक। और सामने खिलखिलाता हुआ पानी और बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ पानी है, एक तो गर्मी के कारण और दूसरा पीने का पानी जो है बड़ी मात्रा में उठाया जाता है झीलों से। तो ये पूरा हेडक्वार्टर है जहाँ से पानी उठाया जाता है, वो बड़ा पाइप लग रहा है जिससे शहर में पानी सप्लाई होता है। और ये सामने आप देखें कि बड़ी बड़ी होटलें हैं वो दिखाई दे रही है, उदयपुर की खूबसूरत पहाड़ियाँ जो अरावली पहाड़ियाँ है वो सामने जो है वो दिखाई दे रही है। तो देखते रहें खूबसूरत दृश्य, आनंद लें आप आराम से। प्रचंड गर्मी के कारण जहां लोग ठंडे गन्ने का रस का आनंद, ठंडी ठंडी चीज़ों का आनंद ले रहे थे,